सदा असान दावामु तो हुकूक दफा कुनान चिनिंदे मैदान रावत लिदे जमींदारे के साथ खरम दस्तक शेरे नायल वपा की वजूर खरम दस्त 22 घंटे की लेट शेरम दस्तगे 22 घंटे की लेट शेरे इलाके मशरानो ज आफरीन वायम वजीर आला जी बलूचिस्तान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हम यहाँ पे क्वेटा के सबसे बड़े अयूब स्टेडियम में मौजूद है जहाँ पर बलूचिस्तान के ज़मींदार एक्शन कमेटी की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और यहाँ पर धरना भी दे चुके हैं। ज़मींदारों ने यहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। जब हमारे उनके रहनुमाओं से बात हुई तो उनका यही कहना है कि बलूचिस्तान में बिजली के ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के बायस जहाँ पर दीगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, वहीं पर जो है जो ज़रात का शोबा है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाही के दयाने पर पहुँच चुका है। हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 3 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया था, मगर इसके बावजूद बलूचिस्तान में इसके बरक्स है बलूचिस्तान के ज़रई फीडर्स को जो है 24 घंटों के दौरान जो है सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम किया जा रहा है। वो 2 घंटे भी अक्सर फीडर्स पर जो है जो बिजली के जो शॉर्टफॉल है और इसके अलावा जो वोल्टेज है वो इंतहाई कम है, जिसके बायस जो है पानी मैसर नहीं हो रहा, जिसके वजह से जो है बलूचिस्तान का जो ज़रई शोबा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कायदीन भी मौजूद है और ना सिर्फ क्वेटा बल्कि बलूचिस्तान भर के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो है एहतजाजी धरने में मौजूद है। आज हमारे ज़िम्मेदार बहुत तंग आए हुए हैं, तमाम बलूचिस्तान में अक्सर इलाकों में 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 2 घंटे की हमें सप्लाई मिल रही है। 6 घंटे का हमारे साथ मुआहदा था कि 6 घंटे ज़रिए जो 414 फीडर्स हैं इन्होंने 6 घंटे हमें सप्लाई देनी थी, हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। बहाना यह किया जा रहा है कि मरकज़ ने हमें हमारा कोटा काटा हुआ है। कोटा किस तरह काटा हुआ है जो बलूचिस्तान एहसन इकबाल और खुर्रम दस्तगीर तो ब्रीफ कर रहे हैं कि 3 घंटे की लोड शेडिंग और 21,000 की पैदावार है, 21,000 मेगावाट की, तो NFC अवार्ड के तहत जो बलूचिस्तान का 6% के हिसाब से हक बनता है वो 1400 मेगावाट बनता है, हमें 450 मेगावाट मिल रहा है। क्यों हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है? सीज़न में हमारे बागात खुश्क हो रहे हैं, हमें सिर्फ पीने के पानी के लिए बिजली दी जा रही है। ऊपर से ये है कि खाद इन्होंने जो यूरिया 1762 रुपये का एक बोरी है वो हमारे गिरदगा आप मस्तूंग किलाबला पशीन मुख्तलिफ इलाकों में नसई और कलासफला में इन्होंने बंद किया हुआ है कि ये बॉर्डर नज़दीक है, बॉर्डर में तो 1 किलोमीटर के फासले पे आप रोके। अगर इन्होंने इस तरह नहीं किया तो वो बलूचिस्तान का जिम्मेदार को अगर ये यूरिया दे रहे हैं, फोर्सेस यहाँ पे रोक रहे हैं, लेकिन स्मगलर को बॉर्डर पर रात की तारीकी में उनके लिए खाद दस्तियाब है और जिम्मेदारों के लिए दस्तियाब नहीं है। तो ये दोगली पॉलिसी बंद होनी चाहिए, बलूचिस्तान के साथ ये जो सुतीली माज जैसा सलूक किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। अगर इन्होंने इस तरह नहीं किया तो हम इसे सख्त से सख्त एहतजाजी लाइमल का ऐलान करेंगे और मरकजी जो बजट पेश हुआ है इन्होंने वहाँ पे बलूचिस्तान की ज़रई सब्सिडी को कैंसिल किया है। बलूचिस्तान को आप लोग देख क्या रहे हो? बलूचिस्तान आप खुद बता रहे हो कि बलूचिस्तान में वसाइल है, साहिल है, जुग्राफिया है, सब चीज़ें हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से है। अगर आप लोगों ने ये वाहिद जरिया माश जिम्मेदारों से छीन लिया तो ये जिम्मेदारों रोड पे आएंगे, आम नामान की हालत ख़राब होगी, आपकी स्कूलिंग की रेशो कम होगा, उन बहुत से ज़्यादा मसले बनेंगे। आप लोग तो सिर्फ जरिए बलूचिस्तान पैकेज के नाम पर जो पिछली जरदारी की गवर्नमेंट ने सिर्फ 5,000 टीचर्स को पैकेज दिया था, हम तो 60 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, आप हमसे ये रोज़गार छीनने की ये माशी कत्ल क्यों करवा रहे हैं? बलूचिस्तान भर में इस वक्त जो है ना खसूस हमारे पश्तून बैठ में इस वक्त 2 घंटे की बिजली है, 2 घंटे की बिजली है, 2 घंटे बिजली आप खुद अंदाज़ा लगाए कि ज़रात के लिए तो नाकाफ़ी है। इस दानिस्ता तौर पे हमारे जो है ना इस वक्त जो है ना बिजली को कम की हुई है, ट्रांसमिशन लाइन कहता है गिरा हुआ है, अभी पिछले 15 दिन से ट्रांसमिशन लाइन नहीं बन पा रहे इनसे, तो हमारे फसलात और हमारे जो है ना बागात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारे जो है ना बिजली को 6 घंटे मुसलसल, बलूचिस्तान आपको मालूम होना चाहिए कि 6 घंटे हमारे बिजली है मुसलसल, साल 12 महीने हमारे यानी इस वक्त 18 घंटे लोड शेडिंग है, 6 घंटे हमारे शेड्यूल है।
बलूचिस्तान की जमींदारों की इस वक्त माशी कत्ल हो रही है। ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन दानिस्ता तौर पर हमें जो है ना इस वक्त मफलूज कर रहे हैं। हमारे जो है ना बागात फसलात जो भी हमने बुआई किया था वो सारे ख़त्म हो गए। अभी पिछले 20 दिन से अगर एक फसल को पानी नहीं मिले तो आप खुद अंदाज़ा लगे वो किस तरह। हम अपने बच्चों का जो है ना पेट काट के इसको जो दिन रात मेहनत करके इनको जो है ना पाल रहे हैं, लेकिन दानिस्ता तौर पे खाद का बोरान इस वक्त पूरे मुल्क में, लेकिन बलूचिस्तान में दानिस्ता तौर पे इसका बोरान बनाया गया है। हमें कोई पाँच बोरी खाद की यूरिया खाद की नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये समंगलियों की 20-20 गाड़ियाँ रात के अंधेरे में जो है ना अफगानिस्तान समंगली की जा बॉर्डर पार करके ले जा रहे हैं, और बॉर्डर ये एरिया पे कहता है समंगली हो रहे हैं, ये ज़मींदारों को ये नहीं मिल रहे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो है ना मुतालबात को माने, अगर नहीं तो इंशाल्लाह हम अगला जो लाए अमल तय करेंगे वो बहुत सख्त होगा। हमने पहले भी ज़मींदार एक्शन में, इस वक्त बलूचिस्तान जो है ना ज़मींदार एक्शन कमेटी पूरे बलूचिस्तान में एक ताकत का नाम है। पहले भी हमारी तारीख है, हमने किसी कुर्बानी से दरग नहीं किया, हमने शोधा भी इस अपने उसमें तारीख में छोड़े हैं, लेकिन हम अपने इस रिस्क को जो है ना बर्बाद होने नहीं देंगे। जी, आपने बलूचिस्तान एक्शन कमेटी जो ज़मींदार एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे हमें बिजली फराहम किया जा रहा है, और दूसरी जानिब यहाँ पर जो ज़मींदारों को खाद के असूल में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनका यह कहना था कि खाद के हवाले से यहाँ पर जो पैकेज दिया गया है उसमें सिर्फ 5 बोरियाँ दी जा रही हैं, मगर वो भी काफ़ी मुश्किल मराइल के बावजूद यहाँ पर जो उनको फराहम किया जाता है, जबकि स्मगलिंग के ज़रिए जो यहाँ पर जो खाद है वो अफगानिस्तान से स्मगलिंग किया जा रहा है, जिसके बाद जो है ज़मींदारों को खाद के असूल में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रहनुमाओं का ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली की ऐलानिया लोड शेडिंग की ऐलानिया का औकात कार में कमी का ऐलान कर दिया गया था, मगर यहाँ पर किसी किस्म की जो है औकात में कमी नहीं की गई है, बल्कि 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम किया जा रहा है, जिससे जो है बलूचिस्तान का जो ज़मींदार एक्शन कमेटी है और जो बलूचिस्तान का ज़री सेक्टर है वो मुकम्मल तौर पर तबाही के दायरे पर पहुंच चुका है। लोग यहाँ पर बेरोज़गार होते जा रहे हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इनका ये भी कहना था कि जो बागात इन लोगों ने ठेके पे दिए हैं बिजली ना होने की वजह से जो ठेकेदार हैं वो बागात भी छोड़कर चले जा रहे हैं, और इनका मज़ीद ये कहना था कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के औकातिकार में कमी करके बलूचिस्तान के जो आवाम को वो 6 घंटे जो ज़री फीडर्स हैं उनको रेगुलर बिजली फराहम किया जाके ताकि फराहम किया जा सके, ताकि जो बलूचिस्तान के ज़रात का शोबा है उसका पहिया चल सके। अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम वज़ीर आला उसके सामने गैर मुहैया मनदत के लिए धरना देंगे। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BSN। बहुत शुक्रिया।